नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह। आप जुड़े हुए इस YouTube चैनल के साथ। आज़ादी के बाद पहली बार आज़ादी के साथ एक वीडियो लेके मैं आ रहा हूं इस YouTube चैनल पे। टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बात करने वाला हूं। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर में अनअकैडमी के साथ मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ और वाई आई लेफ्ट अनअकैडमी। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और आप इसी के लिए इस वीडियो में जुड़े हैं कि आखिर मैं क्या बात करने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं कि इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप तवज्जो दे के थोड़ा सा हम सोचे होंगे मिर्च मसाला मिलने वाला है। तो चलते हैं, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मिर्च मसाला तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ बेसिक चीज़ें मिलेंगी। और मैं ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो में जुड़ा हूँ, जो आप चाहते हैं शायद वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कई स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर चीज़ मिलेगी। एक लाइन कहते हैं ना छोटी सी, कि कुछ इस कदर जलाओ खुशियों का चिराग, कुछ इस कदर जलाओ खुशियों का चिराग कि आंधियां आ जाए फिर भी समा जलती रहे। कुछ इस कदर जलाओ खुशियों का चिराग कि आंधियां आ जाए फिर भी समा जलती रहे, और कुछ इस कदर निभाओ जिंदगी का किरदार, कुछ इस कदर निभाओ जिंदगी का किरदार कि पर्दा गिर जाए फिर भी तालियां बजती रहे, कि पर्दा गिर जाए फिर भी तालियां बजती रहे। तो जी हाँ, किरदार एक सही होना बहुत ज़रूरी है। और शुरुआत करते हैं कि आखिर सबसे पहले मैंने अनअकैडमी ज्वाइन कब किया था। तो मैं आपको बता दूं, जिन्हें पता है दैट्स वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं पता है, मैं 1 अक्टूबर 2018 को अनअकैडमी ज्वाइन किया था और लगभग लगभग 5 ईयर्स मेरे कंप्लीट हुए। और मैंने 15 अक्टूबर 2023 को अनअकैडमी मेरा लास्ट वर्किंग डे था। एंड अभी भी इंतजार कर रहे हो मैंने क्यों छोड़ा, मसाला चाहिए? नहीं मिलेगा। लेट्स डिस्कस कि आखिर मैं ऐसा क्यों हुआ और क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं और उन रीजंस में बहुत सारी बातें हैं, और उन बातों को मैं एक छोटे से इंसिडेंट के साथ जो है अपने एक्सपीरियंसेस को जो है वो जज नहीं करूंगा। तो लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली कि जब मैं कुछ भी नहीं था तो उस वक्त जो है अनअकैडमी ने मुझे ऑफर दिया था पढ़ाने का, और शायद उसके बाद मेरी एक जो वैल्यू बनी, जो आप मुझे जानते हैं, वो एक अनअकैडमी की वजह से ही बनी। और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना अनअकैडमी का, उसमें बड़ा योगदान था। साथ में ये जो लर्नर्स जुड़े हैं, ये लर्नर्स ही सब कुछ है मेरे लिए। पहले भी ये लर्नर्स सब कुछ थे, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। पहले चाहे मैं कुछ भी नहीं था, चाहे मैं आज जो कुछ भी हूँ या फ्यूचर में कभी कुछ भी बनता हूँ, तो आई नो दैट कि मैं इनके बिना कुछ नहीं हूँ। तो आप अगर मेरी आइडेंटिटी पे ये बात करने आए कि ये बहुत बड़ा एजुकेटर आज क्यों कि ऐसा कर दिया, तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि एजुकेटर खुद से बड़ा नहीं होता, वो अपने लर्नर्स के प्यार और सपोर्ट से बड़ा होता। और मेरे लर्नर्स का प्यार और सपोर्ट इतना ज़्यादा है कि मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब महसूस करता हूँ। तो यस जी हाँ, तो मेरी जो जर्नी रही है वो 5 सालों की बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत रही है। मैंने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव और बहुत सारी चीज़ों को सीखा। मेरे हेल्थ इश्यूज भी रहे, मैंने उनसे भी सीखा कि कैसे स्टूडेंट्स के लिए अपने चीज़ों को जो है वो लगाना है। उनसे उतना प्यार मिला, उनसे उतना जो है अफेक्शंस मिला, सपोर्ट मिला, और आज भी मैं उनके लिए जो कुछ भी पॉसिबल हो रहा है वो कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। सो इन ओवरऑल माई जर्नी वॉज वेरी गुड एंड वेरी एक्सेलेंट। द रीज़न बींग लेफ्टिंग द अनअकैडमी इज सिंपल, कि आप लोगों को पता ही है, और मैं आपको सिंपल एज इट इज़ बोलूँ कि कहा जाता है बहुत सारे वीडियोस में लोग बोलते हैं कि अरे यार मैंने ये कर दिया, इन्होंने ऐसा बुरा किया, इन्होंने वैसा बुरा किया, उन्होंने ऐसा बुरा किया। तो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कहने का, क्योंकि मैं उस सिरफिरे आशिक जैसा नहीं हूँ किसी लड़की ने जो है किस कुछ सालों तक मुझे डेट किया और उसके बाद उसने किसी वजह से अगर मुझे मना कर दिया या मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया तो मैं उस लड़की के कैरेक्टर पे गीत गाता फिरूँ कि अरे यार वो कितनी बदचलन लड़की थी, वो कितनी बुरी लड़की थी, उसके साथ मत जाना। तो इस तरीके से मैं वैसा सिरफिरा आशिक तो नहीं हूँ कि अगर कुछ सालों तक मैं किसी के साथ था और कुछ इंसिडेंट की वजहों से अगर ऐसा कुछ डिसीजन मुझे लेना पड़ा तो उसका मैं कोई पूरी की पूरी कह सकते कंपनी या पूरी के पूरे जो है मेंबर को नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि किरदार सही होना जरूरी है। और किसी को कुछ बोल के उनका, एक सिंपल शब्दों में समझ लीजिए कि अगर आपको किसी लड़की ने रिजेक्ट किया या आपने किसी लड़की को रिजेक्ट किया, तो सीधी सी बात है कि आप दोनों
एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं थे। तो कुछ नॉर्म्स और कुछ ऐसी चीजें थी जहां पे कि कंपनी के नॉर्म्स और मैं शायद कंपैटिबल नहीं बैठ पाए, इसलिए हमारा ऑफिशियल ब्रेकअप हो गया। दैट इज द ओनली रीजन। एंड इसके अलावा मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि कुछ कह सकते हैं फ्यू एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मैं पूरी की पूरी टीम या पूरी के पूरे जो है मेंबर्स या पूरी की पूरी कंपनी को गलत ठहराऊं तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बायस सा ओपिनियन होगा। तो मैं ऐसा करना नहीं चाहता कि मैं एक बायस्ड ओपिनियन दूं और बहुत फ्रस्ट्रेटेड तरीके से आपको बताऊं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तो अगेन मैं बता दूं, मैं वैसा सिरफिरासिक तो नहीं हूं। इट्स अ वेरी सिंपल एज दैट कि ऐसे बहुत सारे लोग कंपनी छोड़ते हैं, जाते हैं, कई कंपनी निकालती हैं, लोग जाते हैं। इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस एंड मुझे भी ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं है। मैं यहाँ पे अब जुड़ा क्यों हूँ? अगर फर्क नहीं पड़ा तो आप सोच रहे हैं कि आप इतनी देर से ये कह क्या रहे हैं और करना क्या चाहते हैं, तो मसाला तो मिलेगा नहीं। तो मैं करने और इस वीडियो में जुड़ा इसलिए हूँ कि पहली बात तो मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ अपने ढेर सारे लर्नर्स को जो मेरे इस जर्नी में रहे हैं, जितना भी उन्होंने सपोर्ट किया है और जो सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड उन सभी लर्नर्स को मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि मेरा जो जर्नी था वो एंड हो चुका है अनअकैडमी के साथ। तो अगर अनअकैडमी पे आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं या किसी ऑफर्स के थ्रू जा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, क्योंकि मेल्स कॉल्स के साथ या तो आप कन्फर्म करिए या जैसे भी आपकी इच्छा हो कन्फर्म करिए, या ले रहे हैं तो आप अपने सोल डिसीजन पे लीजिए। अगर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या ऐसी चीज़ों से जो है झांसा भी दिया जा रहा है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। वंस अगेन मैं उन्हीं लर्नर्स को सचेत बोल सकते हैं या बस इन्फॉर्म करने आया हूं कि मेरी जर्नी जो है अब लगभग वहां की समाप्त हो चुकी है। एंड मे बी मेरी जर्नी जो है कुछ नई शुरू हो, उसके लिए आपको इस YouTube पे इंतजार करना पड़ेगा। 2-4 दिनों में मैं जरूर अगर कुछ ऐसा प्लान करता हूं तो लेके आऊंगा। स्टे ट्यून रहिएगा इस जो है चैनल के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि आखिर हुआ क्या, तो एज सिंपल एज दैट 2018 में मैंने अनअकैडमी ज्वाइन करी अक्टूबर 1st को, और 15 अक्टूबर 2023 को मैंने अनअकैडमी लीव कर दी एक सिंपल प्रोसेस के लिए, जिसको बोलते हैं कि भाई साहब कॉम्पेटिबिलिटी इशूज बोल सकते हैं, या लाइफ में इंसान जो है वो आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन हम इस चक्कर में सभी को ब्लेम नहीं कर सकते। एंड बहुत शुक्रगुजार हूँ वंस अगेन मैं सारे लर्नर्स का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, प्यार दिया, और आप आगे ऐसे ही प्यार देते रहिए। एंड फुल एंड फाइनल एक बार फिर मैं बता दूं कि नाउ मेरे कोई भी लाइव कोर्सेज वहां पे नहीं होने वाले हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई इंफॉर्मेशन मिलती है और सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपकी पूरी जिम्मेदारी होगी। मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, ये आपकी सोल डिसीजन है। आप पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़िए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं मेरी जर्नी यहीं तक थी अनअकैडमी के साथ। नई जर्नी शुरुआत होगी जल्द ही, और अगर शुरुआत होती है तो उसके बारे में जानते हैं कुछ दिन के बाद एक नए वीडियो के साथ। तो स्टे ट्यून्ड, 2-3 दिनों के बाद एक और वीडियो आने वाला है कि आगे मैं क्या करने वाला हूं और आपके लिए कितनी सारी चीजें लेके आने वाला हूं। तो इंतजार करते रहिए, इंतजार की घड़ियां जो है वो सुखद होती हैं। जी हाँ, जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा कि कहते हैं मंजिल तक पहुंचने से पहले रुक जाए मेरे कदम, मंजिल तक पहुंचने से पहले रुक जाए मेरे कदम, ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं। मंजिल तक पहुंचने से पहले रुक जाए मेरे कदम, ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं। फैसला होने तक हार कैसे मान लूं, फैसला होने तक हार कैसे मान लूं। जग अभी जीता नहीं मैं अभी हारा नहीं। तो जी हाँ, इसी के साथ अलविदा कहता हूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड लव। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल बी कम बैक सून। गुड बाय, जय हिंद।